मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोरखपुर में किसी भी दशा में जलभराव ना होने पाए, समय रहते इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब यदि बरसात शुरू होने पर कहीं भी जलभराव के चलते नागरिकों को परेशानी हुई तो अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम योगी सोमवार को गोरखपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों से नागरिकों को बचाना शासन प्रशासन का दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बरसात में किसी भी नागरिक को जलभराव आदि की समस्याओं से परेशान न होना पड़े। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने उन्हें बताया कि जलभराव से मुक्ति के लिए सभी जरूरी उपाय कर लिए गए हैं। सभी नालों की तल्लीझार का कार्य सफाई निरंतर जारी है। इसके साथ ही पंपिंग स्टेशनों को सुव्यवस्थित करने के साथ आवश्यकतानुसार उनकी क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पैटलेगंज से फिराक गोरखपुरी चौराहा तक सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 4 लेन स्मार्ट रोड बनाने के लिए 393 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नौकायन से देवरिया बाईपास रोड को 4 लेन बनाने के प्रस्ताव के विषय में भी पूछा। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ रोड की ओर एक ओवरब्रिज बनाने का निर्देश दिया है। इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने निर्देश किया है कि शहर हो या गांव, हर जगह निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। एक मुफ्त समाधान योजना नागरिकों के लिए लाभकारी है, इसे लेकर उन्हें जागरूक कर उन्हें बकायेदारी से मुक्ति दिलाई जाए। उन्होंने एक मुफ्त समाधान योजना में अब तक हुई प्रगति की भी जानकारी ली है। बैठक के दौरान रामगढ़ ताल में क्रूज चलाने को लेकर भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई है। GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह द्वारा बताया गया कि नीलामी फाइनल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्रूज आएगा, करीब 3 से 4 महीने लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रूज संचालित होने से पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। बैठक के दौरान रामगढ़ ताल से गाद निकालने पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री को बताया गया है कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को 350 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस मामले में NMCG से बात की जाए, शासन स्तर से भी इसके लिए प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।